नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि कबूतरों का जोड़ा कैसे लगाएं और नस्ल कैसे बनाएं। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हर चीज़ समझ के चलिएगा। पार्ट्स में वीडियो डालूंगा, छोटी छोटी वीडियोज रहेंगी ताकि आपको छोटी वीडियो में एक यूनिक जानकारी मिल पाए। जैसा कि आपको पता होगा, मान लो कभी आप कंप्यूटर क्लासेस में जाते हैं और उसके बाद में होता क्या है कि आपको सबसे पहले बेसिक सिखाया होता क्या है। जब आप कंप्यूटर क्लासेस में जाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको क्या सिखाया था? ऑन ऑफ करना। उसी तरीके से स्टार्टिंग से स्टार्टिंग करके चलेंगे तो पहला लेसन जो आता है कबूतर पकड़ने का आता है, क्योंकि मोस्टली आपको जब डिफ्रेंशिएट करना होता है किसी कबूतरबाज में और किसी अनाड़ी में, तो आप उसके कबूतर पकड़ने के ढंग से आप समझ आते हैं कि ये अनाड़ी है या कुछ जानकारी इसको है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कबूतर पकड़ने तक की तमीज़ नहीं है, तो भाई आज वो चीज़ सीखें कि कबूतर पकड़ा कैसे जाता है। आपके लिए लेके आते हैं कबूतर। उसके लिए हम लेके आ चुके हैं एक कमग्गर कबूतर जो घर पे था हमारे। तो आप पकड़ने का ढंग देखिए पहले। तो आप ये कबूतर है, इस कबूतर की पहले तो टांगे आप देखें, ये पंजे हैं इसके। तो हमने इसको अपनी इस उंगली में इस तरीके से लॉक करना है, टांगों को लॉक करने के बाद में बाकी का पोर्शन इस तरीके से सेट करना है। कबूतर को इस ढंग से पकड़ना है कि कबूतर को परेशानी ना हो। जब हम टांगे लॉक कर लेंगे तो कबूतर हमारे हाथ से छूट नहीं पाएगा। अब होता क्या, जैसे आप शौक कर रहे होते हैं या किसी को दिखाते हैं, तो दिखाना कैसे होता है? लोग कैसे करेंगे, अनाड़ियों की तरह इसका मुँह पकड़ लेंगे, यूँ करके ऐ यूँ। क्या दिख रहा है आपको उसके अंदर? कुछ दिख रहा है? गलत तरीका। पकड़ने के लिए बड़े प्यार से इसकी गर्दन को इस तरीके से पकड़ें और इस तरीके से आँख शो करते हैं। ये देखें आप, आँख का प्रॉपर फोकस दिखेगा आपको, हर चीज़ दिखेगी, उसका नथुना दिखेगा, चोंच दिखेगी। यूँ पकड़ के दिखाएंगे। क्या दिखा रहे हो भाई? पकड़ने का ढंग सीखो पहले, तमीज़ सीखो, ठीक है जी। जितने प्यार से आप इसे पकड़ोगे ये आपके हाथ में टेंशन नहीं करेगा, करेगा अभी तो आपके जो पंजे हैं वो लॉक हैं अभी तक। इस तरीके से आपने आराम से पकड़ना है। पल्ला दिखाने के बाद होती है दुनिया क्या करती है, ये लो। ये क्या तरीका, ढंग थोड़ी है दिखाने का। बहुत ही प्यार से आपने इस तरीके से पकड़ना है, इसको इसमें ले करके और इस तरीके से। ये देखो आप, जितना पल्ला वो ऑटोमेटिक खुल जाए, छोड़ते वापस, फिर उसी तरीके से दूसरा पल्ले की बात आती है। तो ये देखिए आप, इस तरीके से, इस तरीके से पल्ला इस तरीके से दिखाएं। उसके बाद आती है दुम की बारी, तो दुम में या फिर ऐसे आप देख सकते हैं कबूतर को ईजिली पकड़ करके। कबूतर को इस तरीके से पकड़ो, कबूतर को अगर पेन होगा तो छटपटाएगा ज़्यादा आपके हाथ में, उसको दर्द मत करो। आराम से पकड़ोगे नॉर्मली तो छटपटाएगा नहीं ज़्यादा आपके हाथ में, ठीक है। तो ये पहला लेसन है, बहुत सिंपल सा लेसन है कि पहले आप कबूतर पकड़ना सीखो, उसके बाद में नेक्स्ट लेसन भी लगातार चलता रहेगा कंप्लीट। इसी तरीके से सारी वीडियोस मेरी आने वाली हैं, एक एक स्टेप लेके चलूँगा। जैसे कि आज आपको मैंने पकड़ना सिखाया, नेक्स्ट में आएगा आइस के बारे में, आएगा गर्दन के बारे में, आएगा हड्डी के बारे में, आएगा जोड़ के बारे में, आएगा दुम के बारे में, परों के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में डीपली डिफाइन करके चलूँगा कि अच्छे कबूतरों में क्या खासियत होनी चाहिए और आपको क्या देख करके उसके साथ जोड़ा किस कबूतरी का लगाना है, ताकि आप जोड़ा लगाना सीख सकें छोटी छोटी वीडियोज़ के तहत। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।